चलिए शुरू किया जाए। थोड़ी सी देर के लिए अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने हैं ताकि हमको ये कंसेप्ट समझने में डिफिकल्टी ना आए। चलिए रेडी। देखिए आज हम लोग एक ऐसे नए रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। हकीकत में एक ऐसी चीज सामने आई है कि अगर इसको जीवन में उतारते हैं आप, तो ये पक्की बात है कि हेल्दी आदमी जब तक जिंदा है हेल्दी रहेगा, बीमार आदमी चाहे तो हेल्दी हो सकता है। ये कंप्लीटली हेल्थ कंसेप्ट है। हम लोगों ने जिंदगी में सपना देखा क्या है धनसुख भाई? हम लोग जिंदगी जीते हैं धनसुख भाई के लिए। धनसुख भाई आ गया तो हम लोग जिंदगी जीते हैं मनसुख भाई के लिए। धनसुख भाई के बारे में कभी सोचा नहीं। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आपकी कभी इच्छा नहीं होगी कि वो 90 करोड़ हो जाए। यस और नो? तो ये हजारों करोड़ का क्या, ये हजारों करोड़ का क्या? तो हमारा शरीर 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की जायदाद आपको ऊपर वाले ने दी है। इसको संभालना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? क्या आपको लगता है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी आज काम कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। वो जो है ना उसको संभाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे। जो उनको मिला है उसको संभालने की कोशिश है, उसमें कुछ बढ़ाने की कोशिश है। तो ये शरीर ही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है, तो क्या इसको संभालना हमारी ड्यूटी है कि नहीं? बिल्कुल है। एक मुकाम पे पैसा काम नहीं आता है। धीरूभाई अंबानी को पैरालाइज हो गया था, कुर्सी पे थे, पैसा कभी काम नहीं आया नहीं। दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर उनको ठीक कर सके नहीं। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, 70 करोड़ खर्चा हुआ है। 7 साल पहले बंबई आए थे ऑपरेशन के लिए, सब आपको मालूम होगा, वो वन वे सब कर दिया गया था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूँ, वो ऑब्जेक्शन कभी लेते नहीं। हमने कहा हम भी नहीं लेंगे। मैं कह बार दिल्ली गया, वाजपेयी जी ने मुझे नहीं रोका। तो मैं बोला मैं भी नहीं रोक सकता उनको, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, फ्रीडम है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसको हम तनसुख भाई कहते हैं, इसको आज समझेंगे। अब इसकी क्रांति कब से शुरू हुई? इसकी क्रांति की शुरुआत टेक्निकली इस कंपनी ने शुरू की, ऐसा कहना चाहिए। 88 के अंदर इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन लोगों को जगाते जगाते आज कितने साल लग गए? गिनो, 22-23 साल लग गए। जिस क्रांति की शुरुआत 88 में हुई थी, वो रिवॉल्यूशन हमारे तक पहुंचने के लिए 24 साल लग चुके हैं। अब पहले थोड़ी सी कंपनी की बात कर ले, फिर ये क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई थी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल की बात करें कि 88 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और रिसर्च करते करते दुनिया में ऐसी अद्भुत रिसर्च की है कि उनके प्रोडक्ट जितने बनाते हैं उतने कम पड़ने के कारण आज कंपनी इतनी बड़ी है कि 11,700 करोड़ का टर्नओवर ईयरली करती है। हिंदुस्तान लीवर नहीं, लेकिन यूनिलीवर को 2 साल में 140 कंट्री में बिजनेस करके इतना पैसा, इतना टर्नओवर उन्होंने किया था, उतना टर्नओवर कंपनी 1 साल में करती है। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने आयुर्वेद से मॉलिक्यूल निकाला। मॉलिक्यूल एक अलग चीज होती है, हम देखेंगे आगे। और रिसर्च से प्रूव किया कैंसर ठीक होता है तो होता है, गारंटी है, गारंटी है। ये रिसर्च पेपर को इस पृथ्वी का दो पैर वाला कोई भी आदमी ऐसे चौकड़ी नहीं लगा सकता। चेंबूर में हमारे पास पेशेंट है पेनक्रियास कैंसर, जहाँ पेन किलर भी फेल था, केमोथेरेपी भी दे नहीं सकते थे, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, सीवियर पेन था। आज छठा दिन है, 5 दिन में 100% पेन गया, कल्कुलिन सी, पेशेंट को बेटर है। ऐसे 4 केस मेरे खुद के स्टडी में अभी चल रहे हैं। किसको भी डाउट है कभी भी मुझे कह सकते कि मैं उस पेशेंट को मिलना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा जरूर आप उसे मिलिए।
तो ऐसे रिसर्च एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो रिसर्च के पेपर देती है सामने, प्लस दावा करती है कि हम ऐसा करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को लेकर कंपनी आई है। प्लान, अगर हेल्थ कंसेप्ट इस दुनिया में सबसे अच्छा धंधा क्या है, लोगों को स्वास्थ्य दो और उस स्वास्थ्य को देने से अगर पैसा मिलता है तो वैसा पैसा कैसा रहेगा? ये पैसा दुआ वाला पैसा रहेगा, दुआ वाला पैसा रहेगा कि नहीं? इसीलिए कंपनी ने ऐसा बिजनेस प्लान और एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है कि अगर हम चाहे तो इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये तीनों चीज अच्छी है, ये तीनों चीज अच्छी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये चौथे हम खुद लोग हैं, पहले हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इसका एक्सपीरियंस करेंगे, फैमिली में यूज कराएंगे, तो ये पहली तीन बात का मीनिंग निकलता है ना। इसीलिए कंपनी पब्लिक लेवल पे रिसर्च पेपर देती है, आज तक किसी कंपनी ने पब्लिक लेवल पे ऐसे रिसर्च पेपर नहीं दिए। ये तो वॉल्यूम 2 है, ऐसे कलकुन मिन्सी पे कई वॉल्यूम है। ये बुक है, अमेरिका से पब्लिश हुई है, ये बोसवेलियन कंपनी का रिसर्च है, दुनिया की सभी कंपनी को बोसवेलियन प्रोवाइड करती है, सभी कॉर्पोरेशन जो सामी डायरेक्ट की मदर कंपनी है, यानी कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ प्रोडक्ट की बात आती है तो थोड़ी सी और बात करेंगे। ये कंपनी ट्रेडिशनल एंड एमएलएम दोनों टाइप की कंपनी को, ऐसे 30 से 35 कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, एमवे से लेके हर्बल लाइफ से लेके दुनिया की सभी कंपनी को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है, इनकी मोनोपोली है। लेकिन ये कंपनी मल्टी लेवल में क्यों आई, यानी कि पब्लिक के बीच क्यों आई ओरिजिनल मॉलिक्यूल लेकर? सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के डोज बहुत मिनिमम लेने पड़ते हैं, डिसाइडेड डोज है, 10-10, 12-12, 15 गोली खानी नहीं पड़ती है। ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट लेकर पब्लिक में इसलिए आई कि 2002 में कंपनी के जो डायरेक्टर है, कंपनी के जो चेयरमैन है CMD डॉक्टर मोहम्मद माजिद, उन्होंने बिल क्लिंटन का एक स्पीच सुना, उन्होंने एमएलएम कंपनी और एमएलएम के लोगों को धन्यवाद दिया है कि जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी सुधरी, अमेरिका के लोग भी सुधरे और अमेरिका के लोगों की हेल्थ सुधरी। तो इसने देखा कि जिन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं उसको माल तो मैं ही देता हूं। कौन दे रहा है माल? रॉ मटेरियल हम ही देते हैं, बोसवेलिन दे रहे हैं, कहीं कर्कुमिन दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, और उसी को ब्लेंडिंग मिक्सिंग एंड डाइल्यूट करके बेच के पैसा कमा रही है कंपनी। और कहां से कमा रही है? दुनिया के हर कोने से कमा रही है। आज अमेरिकन कंपनी इंडिया में बहुत है, अमेरिकन कंपनी मलेशिया में, अमेरिकन कंपनी चाइना में, अमेरिकन कंपनी दुनिया में फैली हुई है, हर कंट्री से पैसा वहां जा रहा है। जब ये बात इनको क्लिक कर गई तो इन्होंने सोचा कि इसको एक अलग ढंग से पब्लिक में ओरिजिनल एंड प्योर मॉलिक्यूल देना है। तो अब हम यहां से चलेंगे थोड़ी सी प्रोफाइल, बाद में जो बात है उसमें हम वापिस से आगे आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये ऐसे इंसान है कि हकीकत में एकदम न्यूट्रल और रियल साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते हैं, ये पूरे पागल है क्योंकि इनके पास आधे पागल 200 लोग आधे पागल इनके पास 200 लोग हैं जिनकी सैलरी 8 लाख रुपया पर मंथ है। ऐसे 200 साइंटिस्ट इनकी कंपनी में है। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। 75 में अमेरिका गए थे, यहाँ से बीफार्म करके वहां उन्होंने MS किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एज ए रिसर्च साइंटिस्ट वहां काम करते रहे, साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। बात उस वक्त की है कि 1984 के करीब अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। किसको लेकर? पब्लिक को लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो गई। अमेरिका ने देखा कि हमारा साइंस तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ बीमारी भी आगे बढ़ रही है। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हुआ ये कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज हम जितने एडवांस इंडिया में है मेडिकल में, उतना ही एडवांस अमेरिका था। आज हम बीमारी में जितने एडवांस है उतने एडवांस वो 84 में थे। तो सेल्फ जनरेटेड डिसीज हो रही थी, जैसे कि डायबिटीज, हेरिडिटरी तो आता लेकिन आदमी इतना टेंशन लेगा तो आ जाएगा। कैंसर, हाई बीपी, डायबिटीज,
ऐसी बीमारियां फैलने लगी, ऐसी बीमारी जो हम दूसरे को दे नहीं सकते लेकिन अपने साथ जीवन भर रख सकते, ऐसी बीमारी शुरू हो गई। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जग गई, उन्होंने इमीडिएटली एक साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जिसका नाम था डॉक्टर लाइनस पॉली। उसके अंदर में 150 साइंटिस्टों की टीम ने कंटिन्यू लगातार 3-4 साल रिसर्च किया और एक पेपर पब्लिश किया 1988 में, और 1988 दुनिया के लिए बहुत बड़ा वो साल जो था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय पहली बार डिक्लेयर हुआ कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है। ये उस टीम की रिसर्च थी और दुनिया को पहली बार पता चला। जब 88 में उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, 88 के जस्ट पीछे जाएंगे 25 या 30 साल पीछे, तो जो डॉक्टर होगा उनको पता होगा उसके 25-30 साल पहले यानी कि 1955-60 के करीब साइंस को हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स के प्रॉपर मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं था। 88 उस रिसर्च के बाद एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद ही डीएनए की सेल्स की डीएनए रिसर्च, ये रिसर्च वो रिसर्च सब शुरू हुई, लेकिन वो साइंस का एक टर्निंग पॉइंट था डॉक्टर लाइनस पॉली की रिसर्च। और उस रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में सबमिट किए गए और उसके एक न्यूज़पेपर में छपे, पेपर में छपे। तो डॉक्टर लाइनस पॉली ने ये रिसर्च किया कि ये ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है, इसको चिकन मटन पिज्जा ये वो सब नहीं चाहिए, इसको हेल्दी रहने के लिए सिर्फ 3 चीज की आवश्यकता है। क्या है 3 चीज? शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन चाहिए। ये 3 चीज चाहिए तब ये ह्यूमन बॉडी हेल्दी रह सकती है। हमारे शरीर की लाइफ 120 साल है, वो भी उसी वक्त बताया गया था, लेकिन हमारे शास्त्र में तो वैसे ही लिखा है कि इंसान की लाइफ 120 साल है, 120 साल ऐसा लिखा है, लेकिन उस वक्त उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ह्यूमन बॉडी की लाइफ 120 साल है और इसको 120 ऐसे पोषक तत्व चाहिए, अगर वो मिलते रहे तो ये शरीर हमेशा अच्छा रहेगा। ये रिसर्च हुई तो उन्होंने पेपर पढ़ा, इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद माजिद ने पेपर पढ़ा, नौकरी करते थे एज अ साइंटिस्ट, हाई सैलरी थे और उन्होंने बहुत सोचा, फाइनली अपनी नौकरी छोड़ दी। सोचा क्या उन्होंने? उन्होंने देखा कि मैं अमेरिका की हवा नहीं बदल सकता, अमेरिका का पानी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ऐसे पोषक तत्व देकर अमेरिकन की लाइफ बदल सकता हूं। लेकिन उस वक्त वो सोचते कि मैं इंडियन की लाइफ बदल सकता हूं तो बात नहीं बनती, जहां तकलीफ है वहीं इलाज करना पड़ता है पहले। अगर घुटने में दर्द है और ब्रेन का इलाज करोगे तो नहीं चलेगा, ये बात उनको समझती। वो रिजाइन करके आ गए इंडिया और हिमालय और ऐसी जगह घूम के उन्होंने देखा कि जो लोग 150, 200, 250 साल जीते ऐसे लोग आज भी है, उस वक्त 88 में भी थे। तो उन्होंने देखा कि कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, ऐसी जड़ी बूटी खुद खाई, कुछ लोगों को खिलाई, उसके बाद उनको श्योर हो गया कि ये कुछ गजब है। तो उन्होंने वो जड़ी बूटी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट करने के लिए एक कंपनी लगती है, थोड़ा सा सेक्टर, एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी लगती है। तो उन्होंने 88 में सबिंसा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। 1988 में एक्सपोर्ट करने के लिए कारोबार इतना बड़ा कि 3 साल के अंदर एक फैक्ट्री लगानी पड़ी, यानी कि 91 में, और 94 जो था, 94 बहुत इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए। कंपनी में जितने पैसे कमाए थे वो सारे पैसे रिसर्च में लगाए, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद माजिद को एक ही बात पता थी, अगर मेरे पास ज्ञान है, अगर मेरे पास अच्छी चीज है तो खरीदार तो ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने 94 में पहली रिसर्च की। उस रिसर्च को समझने के पहले हमें आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। क्या है आयुर्वेदिक? कि जड़ी बूटियों का हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके चरक संहिता, शुष्क संहिता ऐसी सब बुकों में वर्णन किया है, वाग्भट वगैरह में। तो आज तक पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया में जितनी भी कंपनी है, उन्होंने तरह तरह की उस ग्रंथ में से फॉर्मूला उठाकर ब्लेंडिंग करके फॉर्मूला बनाकर करोड़ों का कारोबार किया है।
यानी कि हमारे आयुर्वेद ग्रंथ को बेचा है, निचोड़ा है, उपयोग किया है, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, ध्यान देना बात पे, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस पे कुछ रिसर्च किया जाए। जैसे कि एलोपैथी का एक रिसर्च होता है, कैसे रिसर्च होता है कि अगर ये 500 mg की गोली है तो 500 mg की है, इसकी मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री चेन ऐसी है तो ऐसी है, बॉडी में जाके ये ऐसा ही परिणाम देगी। एग्जांपल कि 100 आदमी को कॉम्बिफ्लेम देंगे आप, तो 100 के 100 आदमी का स्वेलिंग जाएगा, पेन जाएगा, फीवर नीचे आएगा, होता है कि नहीं? होता है, 95 का गारंटी के साथ ऐसा होगा। इसको क्या कहते हैं? R&D। साइड इफेक्ट वो अलग कहानी है, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल जड़ी बूटी में है जिसकी वजह से हमारा प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र बहुत मशहूर है, वैसा रिसर्च किसी ने नहीं किया, लोगों ने जस्ट रॉ मटेरियल बेचा है, एक्सट्रैक्ट नहीं। इवन यहां तक कि इस कंपनी ने भी 94 तक रॉ मटेरियल ही बेचा है, लेकिन 94 में जितने पैसे कमाए सारे लगाने शुरू कर दिए इन्होंने रिसर्च पे। वर्ल्ड की ये पहली कंपनी है और वर्ल्ड का ये पहला साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार पहली चीज निकाली काली मिरी में से, जिसका नाम है बायोप्रीन। आयुर्वेद के इतिहास में पहला मॉलिक्यूल निकला, और कहां से निकला? वो निकला काली मिरी में से निकला। सबसे पहली जड़ी बूटी काली मिरी थी, वो इतनी पावरफुल क्यों है? उसमें एक बायोप्रीन नाम का मॉलिक्यूल है, बायोप्रीन भी नाम यही साइंटिस्ट ने उसको दिया है उस मॉलिक्यूल को। ये भी मजेदार बात है। अब देखिए ग्रंथ में लिखा है क्या लिखा है, काली मिरी खाने से खाना अच्छी तरह पचता है, पचने की क्षमता बढ़ती है, ऐसा सब कुछ कहा है। यस और नो? आप जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने रिसर्च करके ये प्रूव किया कि काली मिरी के अंदर जो बायोप्रीन है वही उसका एक्टिव मॉलिक्यूल है। उसको साइंटिफिक मेथड से निकाला और उसका रिसर्च ये मिला कि ये बायोप्रीन के लेने से हम जो भी खाएंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ये बायो एनहांसर है। समझो आपने विटामिन खाई, अगर उसमें बायोप्रीन होगा तो 1 रुपये की विटामिन 1.5 रुपये का फायदा देगी, यानी ये 50% और ऐड कर देता है, यानी ये बायो एनहांसर है, यानी कि दवा की इफेक्टिवनेस को, उसके रिजल्ट को ये बढ़ा देता है। ऐसी रिसर्च हुई, आज भी दुनिया की पहली पैटर्न, पहला एक्सट्रैक्ट, पहला मॉलिक्यूल इसी कंपनी के पास है, इसको कोई यूज नहीं कर सकता है इनकी परमिशन के बिना। और दूसरी बात, यूज करने की बात तो दूर, अभी तक भी काली मिरी में से किसी को एक्सट्रैक्ट निकालना नहीं आता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट निकालने की भी इनकी फॉर्मूला, इनकी टेक्नोलॉजी भी सीक्रेट है, सबसे बड़ी बात है। ऐसा करते करते ये रिसर्च आगे बढ़ी, कई चीजों के मॉलिक्यूल निकालते रहे, लेकिन 99 में एक न्यूज आया टीवी पे, बड़ा जबरदस्त न्यूज आया। जितने भी इंडिया के आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो न्यूज सुनकर देखकर परेशान हो गए। न्यूज क्या था? हल्दी पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, अब हल्दी भी हमारे हाथ से गई, ऐसे बड़े बड़े न्यूज छपने लगे। लेकिन दूसरे दिन रिपोर्ट में यह पता चला कि हल्दी की रिसर्च बेंगलोर में हुई थी, सबिंसा कॉर्पोरेशन ने की थी, सामी लेबोरेटरी ने की थी, ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। जबकि डॉक्टर मोहम्मद मजीद 75 से अमेरिका थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वहां की सिटीजनशिप ली नहीं है। एक बुक है ब्रेन ड्रेन, आउट ऑफ ब्रेन, बुक का नाम है आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, उसमें अमेरिका से पब्लिश हुई बुक है, आज मैं भूल गया हूं लाना, उसमें बताया है ब्रेन ड्रेन क्या होता है, कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ 60,000 की सैलरी पे है, उसको लगता है कि यहाँ मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मेरी कैपेसिटी 6 लाख की है, वो चले जाता है फॉरेन। फिर वहां से कभी कभी 2 साल में एक बार माँ बाप को मिलने आता है, कभी फोन करता है, फिर माँ बाप मर जाते तभी भी नहीं आता है, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन के उल्टे प्रवाह में चलने वाले इस पृथ्वी पे आज तक सिर्फ 107 लोग है, उसमें से एक इंसान है जो इन्होंने वहां की सिटीजनशिप कभी ली नहीं। यानी कि ये कंपनी इंडियन मल्टीनेशनल है, दुनिया के हर कंट्री में दवाई बेचती है, बड़ी बड़ी कंट्री के अंदर बड़ी बड़ी ऑफिस और फैक्ट्री है, लेकिन पैसा सारा इंडिया में आता है। पहली बार ऐसा होगा ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी
और यही इंडियन सामी जो है, सामी डायरेक्ट, ये इंडियन एमएलएम पूरे दुनिया में जाने वाला है। एमवे अमेरिका से आया ना, सामी इंडिया से अमेरिका जाएगा, सामी डायरेक्ट। आप जाइए वहां नेटवर्किंग करिए। जो पहला आदमी इंडिया आया था मालूम है आपको एमवे को लेकर? कांतिकाला। परफेक्ट, पहला आदमी। वो क्या सोच के आया पता है? अपने बच्चों के स्कूल तक छुड़ा के वो यहाँ आया है और 8 साल यहाँ मेहनत की, क्योंकि उसको मालूम था कि एमवे को इंडिया में मैं ले जाऊंगा तो सारी टीम मेरे नीचे होगी। मुझे मालूम है मैं अगर अमेरिका जाऊंगा, अगर सामी डायरेक्ट को लेके, तो पूरे अमेरिका की टीम मेरे नीचे होगी। ये सोच कितने के पास है यहाँ? सोचिए, लंबी सोच की बात कहता हूँ, सोचना। आज से जब लॉन्चिंग का वक्त आएगा तो तैयार रहना। प्री लॉन्चिंग मोमेंट के पहले हमें वहां लॉन्च हो जाना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हकीकत में हल्दी भी हमारे हाथ में रही। वही हल्दी जो है उसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल है वो कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है। ये नाम भी इसी कंपनी ने दिया है। ये रिसर्च वॉल्यूम 2 है, इसमें बताया है ये एंटी कैंसरस है, केमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट है, सब कुछ इसमें बताया, कैंसर क्योर करता है। इनका दावा क्या है? पेटेंट तब मिलती है कि 83% एक्यूरेसी रिजल्ट आना चाहिए। कंपनी ने रिसर्च किया, 100 अगर कैंसर पेशेंट आप हाथ में लेते हैं, 83 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, उसको कहते हैं रिसर्च। यानी कि इस दवा को FDA नहीं लगता, इस दवा को अमेरिका में कंपनी बेचती है मॉलिक्यूल, FDA नहीं लगता, अमेरिका FDA भी नहीं लगता, क्योंकि FDA क्या है? FDA खाली यही कहता है कि ये दवा खाने लायक है, इसके खाने से आप मरोगे नहीं। FDA कहने से ये नहीं होता कि ये दवा बहुत पावरफुल है। FDA का मतलब खाने लायक चीज है ये, सीधी बात है। तो इस तरह ये रिसर्च है। अभी इस पे ना जाते हुए प्रोडक्ट पे आएंगे तो इसकी बात हम फिर से करेंगे। पब्लिक के लिए छोटी सी बुक पब्लिश की गई अमेरिका से, $5 की बुक है ये, $4.50 कुछ है इसकी प्राइस, $4.50 इसकी प्राइस है। पब्लिक के नॉलेज के लिए, ये तो MD डॉक्टर भी नहीं पढ़ेगा, हार्डली कोई पढ़ता है इसको, मैंने भी नहीं पढ़ी है, दिखा रहा हूँ आपको, कोई ऐसा पढ़ा है पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले हाथ में लगी है। ये है बोसवेलियन की बुक। दुनिया की सभी कंपनी को बोसवेलियन सामी डायरेक्ट यानी सविंता कॉर्पोरेशन को सप्लाई किया जाता है, ये बुक भी अमेरिका से पब्लिश हुई है। तो इस तरह आप एक ऐसी कंपनी के बारे में जान रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, फिर इसी कंपनी को 2004 में लीन गार्ड के लिए थॉमस अल्फा एडिसन अवार्ड मिला। लीन गार्ड एक दवा है, वर्ल्ड की एकमात्र दवा है, वजन घटाती है, और वजन घटाती है ऐसा प्रूव है, प्रूवन है, इसीलिए उसको ये अवार्ड मिला है, आज तक किसी दवाई को नहीं मिला है। यहाँ देखिए पवन भाई बैठे हुए, इन्होंने एक लेडी को दिया था, आज 31 दिन पूरे हुए, 100 किलो से उस लेडी का वजन कभी नीचे नहीं गया था, 31 डेज में 8 किलो वजन कम हो चुका है। नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर भूखे रह के कोई जूस पीना है दोपहर को खाना छोड़ के, अगर दोपहर को खाना पी छोड़ के अगर कोई जूस पीना है तो मैं कहूंगा वो इतना महंगा उनका जूस पीने से तो रियल वाला ही एक ग्लास पी लो, ठीक है, कम से कम रियल तो है, डुप्लीकेट तो नहीं है, रियल तो है। वैसे वजन नहीं घटता है, कैलोरी कट करके वजन घटाना ये असली बात नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल लाइफस्टाइल में वजन घटता है ऐसा प्रूवन हो चुका है, ऐसी दवा है। तो ऐसी अद्भुत कंपनी है जिसमें आप जुड़े हैं, अलग अलग जगह कंपनी, USA की कंपनी, USA में है कंपनी की ऑफिस, ऐसे अलग अलग जगह है। यहाँ पे ये कंपनी को देखिए हैदराबाद में है, बहुत छोटी सी अमाउंट की कंपनी बनी है ये, सिर्फ 1700 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का एक्सट्रैक्ट निकालती है। बेंगलोर में पीनिया में कंपनी की 14 एकड़ जमीन में सिर्फ रिसर्च लेबोरेटरी है, 14 एकड़ जमीन में रिसर्च लेबोरेटरी। ये देखिए उसके कुछ फोटोग्राफ यहाँ दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, यहाँ देखिए कई प्रकार के अवार्ड मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर शंकर दयाल शर्मा के थ्रू मिला है, ऐसे कई प्रकार के अवार्ड कंपनी ले चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो इसमें है नहीं, वो एक फोटोग्राफ कि एक अकेला आदमी एक कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। ये कंपनी 86,000 एकड़ जमीन में हर्ब को कल्टीवेट करती है, और एक कंपनी कहती है हम 6,000 एकड़ में नीदरलैंड में हर्ब को कल्टीवेट करके पूरे दुनिया को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। एक भी इनवॉइस नीदरलैंड से इंडिया के लिए बना नहीं है, हिमालय है बल्कि ऐसा एक भी इनवॉइस प्रोड्यूस नहीं कर सकती है कंपनी, जो कंपनी ऐसा दावा करती है। लेकिन यहाँ 86,000 एकड़ जमीन में कल्टीवेशन होता है। वर्ल्ड में सब जगह कंपनी की ब्रांच फैली हुई है, 11,700 का टर्नओवर करती है। इसकी हेड ऑफिस इंडिया में है, इंडियन मल्टीनेशनल है, हेड ऑफिस बेंगलोर में है इसकी। अभी हम आ जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरह कंपनी ने कई मॉलिक्यूल जो है टाइम टू टाइम रिसर्च करते करते आज 69 प्रोडक्ट पे पेटेंट ले लिया है। एक पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए 4 करोड़ रुपया लगता है, और किस चीज के लिए पेटेंट लिया है वो लिखा है। हर मॉलिक्यूल यहां लिखे है ना नाम, ये ब्लू बुक आपको ज्वाइनिंग के टाइम मिलती है। इसके आगे सिर्फ .com लगा लीजिए, www.com लगा लीजिए आगे, और ये डालिए इसके सारे रिसर्च को आप पढ़ पाएंगे। कोई भी अपना सीक्रेट रिसर्च नेट पे किसी को देता नहीं है। हर पेटेंट की अपनी एक वेबसाइट है, और कंपनी ने टोटल 150 प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया है, R&D चालू है। जैसे जैसे पेपर सबमिट होते जाएंगे एविडेंस 100% कंफर्म हो जाएंगे, और उस वक्त वो पेटेंट रजिस्टर हो जाएगी। 69 प्रोडक्ट प्रूव हो चुके हैं। अब इतने अद्भुत प्रोडक्ट रिसर्च ओरिएंटेड होने के कारण हमने इसमें डिसाइड किया कि बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ बहुत बड़े लेवल पे उतर के काम करिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाओगे तो आपकी हेल्थ सुधरेगी और आपका पॉकेट का भी हेल्थ सुधरेगा। तो हम अभी देखेंगे हेल्थ कैसे सुधरती है और पॉकेट कैसे सुधरता है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले जीतू भाई फोन पे कम बात करो, रेडिएशन यहां तक आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हर इंसान ये चाहता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूं, यस और नो? तो सबसे पहले हम जवान रहने की फॉर्मूला पे बात करेंगे। हमेशा जवान और फिट रहने की जो दवा है उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी या हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाला एक केमिकल, साइंस उसे कहता है फ्री रेडिकल। अगर हम ज्यादा डिटेल में टेक्निकल बात करें तो फ्री रेडिकल एक ऐसा केमिकल है जिसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सर्च करता है, अगर सर्च करते करते आर्टरी के एंडोथेलियल सेल पे वो अटैक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल्स को अनस्टेबल कर देगा। ऐसे सेल्स ऑक्सीडाइज होते हैं कुछ समय के बाद, इसीलिए आर्टरी के अंदर स्टिफनेस आना शुरू होता है, आर्टरी हार्ड होनी शुरू होती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप एक डॉक्टर को लेकर अंधेरे स्टेशन चले जाइए, एक कैंप लगा लीजिए, पब्लिक को रोको और बीपी चेक करो। उम्र इंपॉर्टेंट है, कौन सी उम्र? जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच हो। जिसने 30 क्रॉस कर लिया और 35 क्रॉस नहीं किया है, ऐसे 100 लोगों का बीपी चेक करिए। जिन्होंने कभी बीपी चेक नहीं किया है, सरप्राइज होगी, 50 मेंबर ऐसे मिलेंगे 100 में से जिसको हाई बीपी है और उसको पता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल की वजह से।
फ्री रेडिकल कई तरीके से बॉडी में उत्पन्न होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होता है, एयर पोल्यूशन से होता है, वाटर से होता है, जंक फूड खाने से होता है, स्ट्रेस से होता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होता है, ऐसे बहुत सारे कारण इसके हैं। कारण ढूंढने बैठेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। इतना समझना है कि फ्री रेडिकल हर इंसान की बॉडी में उत्पन्न हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। उसको न्यूट्रलाइज करने वाली जो दवा है उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये फ्री रेडिकल आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक नहीं करेगा और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक कर दिया इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है कि वो आर्टरी में चिपकता है और ब्लॉकेज बनता है। यही फ्री रेडिकल अगर सेल्स के डीएनए पे अटैक कर देगा तो कैंसर, सोरेसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, इन शॉर्ट वैसी बीमारी या साइंस के पास न कारण है और ना ही इलाज है। ये स्किन पे अटैक करता है तो स्किन खराब होती है, स्काल्प पे अटैक करता है तो बाल चले जाते हैं। यानी कि ये एंटी एजिंग है। कोई भी आदमी हमेशा यहाँ रहना चाहेगा तो भी मजा नहीं है, हमेशा यहाँ रहना चाहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज बढ़ने की प्रक्रिया में आप देखिएगा, आदमी धीरे 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 बूढ़ा होता है, बूढ़ा सभी ने होना है। लेकिन आप अगर एंटीऑक्सीडेंट 40 साल की उम्र से रेगुलर लेते हैं और आपका दोस्त नहीं लेता है, दोनों लोग 60 के पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है 45 या 48 के लगोगे, वो 60 का लगेगा या 64 का भी लग सकता है। तो इतना अंतर देख सकता है दोनों की उम्र में। लॉन्ग रन की अगर कैलकुलेशन स्टडी की जाए तो, यानी कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग सिगरेट है। इसको खाना खाने के आधे या एक घंटे बाद एक गोली लेनी होती है। जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, उसको एक ही गोली दो बार खानी है। लेकिन जिसकी उम्र कम है, 20 साल के बाद हर किसी ने एक गोली ये खानी चाहिए। 20 साल के बाद हर किसी ने एक गोली खानी चाहिए। आज की तारीख में आप जाइए कॉलेज के बाहर और 10-20 लड़के का इंटरव्यू लीजिए तो आपको पता चलेगा 20-22 साल उम्र है और बाल जा रहे हैं। और 20-22 के काफी तो बोलेंगे ना कि 4 साल पहले जितने बाल थे उससे आधे बचे हैं सिर पे। वजह फ्री रेडिकल, उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसके अंदर की प्रोसेस को वो ब्रेक करेगा, एजिंग प्रोसेस को। ऐसी अद्भुत दवा है। दूसरी जो मेडिसिन है दुनिया की बहुत ही अद्भुत है। इसके ऊपर भी कंपनी की एक ऐसी ही बुक लिखी है, ऐसी एक बुक है, अभी मैं नहीं लाया हूं, लेकिन COQ पे एक पूरी बुक है, जबरदस्त बुक है। क्या है ये COQ? हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचने के बाद फाइनली उसका एंजाइम बनता है। हम जो खाना खाएंगे उसमें से जो एंजाइम बनता है उसका 95% पोर्शन को एंजाइम होता है। 95% पोर्शन को एंजाइम होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे उम्र की प्रक्रिया आगे जाती है, 30 साल के बाद ये एंजाइम कम बनता है, लेकिन 30 साल के पहले ये एंजाइम कितना बनता है? 30 साल के पहले हमारे फूड इंटेक में थे, हमारी बॉडी 320 mg को एंजाइम बनाती है। 30 साल के बाद ये 20 mg से 80 mg कम बनेगा और कम ही बनता रहेगा, कभी भी ज्यादा नहीं बनेगा। चाहे कुछ भी खा लो, चाहे किसी का दिमाग खा लो, उतना ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। अब ये कोएंजाइम क्या करता है समझना तो पड़ेगा। ओके, कोएंजाइम हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस उसके साथ काम करता है। कोएंजाइम से ही सभी हार्मोन्स, केमिकल, तरह तरह की चीजें बनती है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे। कोएंजाइम सबसे ज्यादा काम करता है हार्ट के ऊपर, हार्ट पे। हार्ट क्या है? एक मसल सेल। जब कोएंजाइम लेवल बॉडी में बहुत कम हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है और इंसान को बचने का मौका नहीं मिलता है। डॉक्टर लोग भी कोएंजाइम ही देते हैं, दूसरी चीजों के साथ मिक्स किया हुआ, प्लस हेपरिन इंजेक्शन एंड यूरोकाइनेसिस दिया जाता है बचाने के लिए। लेकिन कोएंजाइम इतना कम होगा ताकि उसको लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो कोएंजाइम हार्ट के मसल से काम करता है। हार्ट क्या है? मसल से, बराबर। कैसा मसल? बॉक्सर के आर्म्स मसल से 4 गुना स्ट्रॉन्ग। हमारे आपके नहीं, बॉक्सर के।
बॉक्सर के आर्म मसल से 4 गुना स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो हार्ट का है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है। हर हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि घुटना, घुटने का कार्टिलेज कब घिसेगा? उसके पहले सोचिए घुटने के कार्टिलेज को प्रोटेक्ट कौन करता है? घुटने को प्रोटेक्ट करता है नी को, नी मसल, इसके सराउंडिंग जो मसल्स है, हर जॉइंट के रिलेटेड मसल्स है, जिसकी वजह से ही हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। मसल न होता तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और मसल ठीक तब रहता है जब उसको कोएंजाइम मिले। घुटने के मसल्स को कोएंजाइम प्रॉपर मिलता रहेगा तो हमारा घुटना लुब्रिकेंट बनाएगा, और उस लुब्रिकेंट का काम है उस गादी को प्रोटेक्ट करना। अगर लुब्रिकेंट बनता रहा तो गादी घिसेगी नहीं कभी। अगर आपने 30 साल की उम्र के बाद एक कोएंजाइम शुरू किया खाना, तो आपका हर मसल ठीक रहने से आपका कोई भी ज्वाइंट खराब नहीं होगा। बढ़िया है कि नहीं? वेरी गुड। ओके, बात वहां खत्म नहीं होती है। कमर के मसल्स वीक होने से स्पाज्म होता है, मेडिकली इसको स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। वो यहाँ होगा तो सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, यहाँ होगा तो लंबर स्पोंडिलाइटिस। ये मसल्स वीक लॉन्ग टाइम चलता रहा तो गादी गिर जाती है, जिसको स्पोंडिलोसिस कहते हैं। और ये मसल और भी लॉन्ग टाइम ऐसा चलता रहा तो वो गादी को नहीं संभाल पाता है, गादी खिसक जाती है, उसको कहते हैं स्लिप्टिक्स। इसका मतलब कोएंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए, कहां से कहां लिंक बैठ रही है, लॉजिक को सोचिए। यही कोएंजाइम रेगुलर मिलता रहा तो ये गारंटी है, आपको गारंटी के साथ इंश्योरेंस बन जाता है आपके 3 पुर्जे का। 30 साल के बाद आपने रोज एक कोएंजाइम लिया तो गारंटी है कि आपको हार्ट खराब, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, किडनी की बीमारी नहीं होगी, लिवर की बीमारी नहीं होगी, तो नहीं होगी। चर्चगेट से लेके विरार तक, बीटी से लेके कल्याण तक जाइए, जितने भी डायलिसिस यूनिट है सारे फुल है, जगह नहीं है वहां पर, ये पोजीशन हो गई है। यानी कि कोएंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। आज हम बेपरवाह जीवन जीते हैं ये सोच के कि कल जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी क्या देखोगे भाई, किडनी तो फेल हो गई, देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो भी पुर्जे दिए हैं ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। खरीदी हुई किडनी बहुत चलती नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट जैसी होती है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, है कि नहीं? तो इसीलिए बेहतर है ओरिजिनल, ओरिजिनल ही होता है, उसको यूज करना चाहिए। तो कोएंजाइम हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। अब थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। पहला प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट, हमारे बॉडी में जो कई कारणों से परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा प्रोडक्ट आपके अंदर के पुर्जे को फिट रखता है कायाकल्प की कंसेप्ट। अब चलेंगे एक स्टेप आगे। अब ये तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है कर्कुमिन सी, जिसके ऊपर ये कंपनी रिसर्च की एक वॉल्यूम है, ऐसी तो 15 से 20 है, और ये छोटी सी बुक अमेरिका से पब्लिश हुई है। कर्कुमिन सी क्या है? कर्कुमिन सी हल्दी में से निकला हुआ एंजाइम है। अगर कोई पूछेगा ये आपकी दवा आयुर्वेदिक है क्या, मैं कहता हूं ये दवा आयुर्वेदिक भी नहीं है, ये एलोपैथी भी नहीं है, ये होम्योपैथी भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये एक्चुअली है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, ये मोलिक्यूल है, तो मोलिक्यूलर बायोलॉजी थेरेपी कहना चाहिए इसको। इसलिए कि ये सारे मोलिक्यूल इसको पचाना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली बॉडी के साथ मिक्स हो जाते हैं, डायरेक्ट डाइजेस्टेड चीज है, इसीलिए इसका रिजल्ट इतना फास्ट है। इसको एक नई थेरेपी नाम देना चाहिए, इस तरह का यह है। इसीलिए जैसे हमने कैंसर पेशेंट को 5 दिन पहले दिया था, 6ठा दिन है पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, केमोथेरेपी पॉसिबल नहीं था, पेन किलर काम नहीं करती है कैंसर में, ये सबको मालूम है। आखिरी पेन किलर एलोपैथी में होती है, जिसका नाम है मॉर्फिन, वो भी पेन थी, 2-2 गोली 3 बार दी गई, पेशेंट चेंबूर में है, 100% पेन गायब। अब उसकी कंप्लेंट है कि मेरे को पीछे देखना यहां तक दुख रही है 8 साल से। मेरे को 8 साल वाली कहानी बाद में देख लेंगे, पहले ओरिजिनल प्रॉब्लम गया कि नहीं वो देखो। कानीवली पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है, उनकी मदर 3 हफ्ते से ले रही है, बहुत अच्छा है कर्कुमिन सी कैंसर के लिए। बोईसर में एक पेशेंट है,
लंग सेंसर गायब हो चुका है, बोन में थोड़ा सा बचा था, सेकंड पेट स्कैन में ये रिपोर्ट आई थी। 16 दिसंबर को थर्ड पेट स्कैन निकलेगी, 100% नॉर्मल हो जाएगा, हमने उनकी केमोथेरेपी छुड़ा दी थी, 100% इसी दवाई को फॉलो कर रहा है वो पेशेंट। यानी कि कंपनी ने खुद रिसर्च किया, यहाँ क्लियरली मेंशन है कैंसर ठीक होता है, केमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बचाता है, तरह तरह के कैंसर पे बताया। एक आदमी कहेगा ये कौन से कैंसर को ठीक करता है, मैं कहूंगा कैंसर सेल्स को ठीक करता है, कैंसर सेल्स कहीं भी पैदा हो सकता है, समझो बात को, ऐसा नहीं कि लिवर के कैंसर के लिए, कैंसर सेल्स पे काम करता है, पूरे बॉडी में कैंसर कहीं भी पैदा हो सकता है वहां ठीक करता है। तो ये एंटी कैंसरस है, सबसे पहले कैंसर के मरीज को 6 गोली देनी होती है, 2-2 गोली 3 बार देनी होती है। लेकिन आप बोलोगे फिर नॉर्मल आदमी के लिए क्या है इसका, वो भी मैं बताना चाहूंगा। अगर आप बहुत हेल्दी है और हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं कहूंगा हफ्ते में कर्कोनिन सी की 1-1 गोली 3 बार खाइए। कारण मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी एबनॉर्मल सेल्स को डिसॉल्व करता है, नॉट ओनली कहीं ना कहीं कैंसर सेल भी हर इंसान के बॉडी में प्लस एबनॉर्मल सेल्स है, कहीं ना कहीं सिस्ट और ट्यूमर भी कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं। तो हफ्ते में 3 गोली खाए तो एबनॉर्मल सेल्स खत्म करेगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी अच्छा रखेगा, तो ये इम्यूनिटी को ठीक करता है। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है मैं बताऊं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है, देखिए मैं अपनी वाइफ का ही केस कहूंगा, दिवाली में साफ सफाई के टाइम स्टूल पे से गिर गई, पलंग का कॉर्नर लगा, हड्डी नहीं टूटी लकीली, लेकिन मसल डैमेज हुए, पेन किलर के इंजेक्शन लेने पड़ते थे सब कुछ। फिर मैंने जब इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पढ़ा तो ये दिया, 4 दिन में रोज 1-1 गोली खाई, 100% इंफ्लेमेशन दूर हो गया, मसल टैर होते हैं डैमेज होते हैं वो जल्दी जुड़ते नहीं है, इससे वो काम हो गया। क्योंकि हमें पता है हमारे बुजुर्ग लोग हर चीज में हल्दी यूज करते थे, लेकिन हल्दी का एक्स्ट्रा क्या होता है कि हल्दी को जब आप काट दोगे ऐसे उसमें एक ऑरेंज लाइन दिखती है, उस ऑरेंज लाइन में जो ऑरेंज पोर्शन है वो कर्कुमिन सी है, उसमें से मॉलिक्यूल एक्स्ट्रैक्ट किया है। यानी कि हल्दी में से 5% कर्कुमिन सी निकलता है, बाकी सब कचरा है फेंकने लायक। कोई कहे मैं हल्दी खाऊं तो खाओ आधा किलो हल्दी, फिर क्या होता है बताओ मेरे पास। आधा किलो हल्दी खा नहीं सकते, लेकिन उस आधा किलो हल्दी का एक्स्ट्रैक्ट खा सकते हैं, समझ लो, क्योंकि दूसरी चीज के दूसरे नुकसान भी है। हल्दी के अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल इज ओनली कर्कुमिन सी, बाकी बहुत कुछ है जो काम का नहीं है, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, ये हफ्ते में 3 गोली भी खाई, वेरी गुड। जिसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, रोज 3 कर्कुमिन सी खाए, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। बार बार सर्दी होती है तो लीजिए, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो लीजिए, कहीं ट्यूमर है सिस्ट है तो लीजिए, एनी एबनॉर्मल ग्रोथ, इवन यहां तक मैं कहूंगा जिसको हार्ट में ब्लॉकेज है वो भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसको भी ये निकाल सकता है। कहीं भी एबनॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है तो शरीर का नहीं है, उसको बाहर फेंकने की क्षमता इसके पास है, सिंपल लैंग्वेज। सब कुछ तो हो गया, लेकिन हमारा तो एक ही प्रॉब्लम है ना, खाना। कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए, है कि नहीं, शादी में जाते हैं 10 गुलाब जामुन खा लिया, घर पे लाते ही 10, एक एक दो दो मिलजुल के खाने का, ऐसा क्यों, कुछ कारण मेरी समझ में नहीं आता। शादी में गए 10 कटोरी मैंगो जूस पी लिया, घर पे 1-1 कटोरी सबके लिए, ऐसा क्यों बता सकता है कोई? बोलिए, मामला फ्री का नहीं है, मामला यह है कि ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसी सेट की इंसानों के लिए, जिंदगी में सुबह से रात तक में वही सारे काम करोगे जिससे शरीर को नुकसान होगा। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है कि नहीं? एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बजाय कोई और करे मुझे फायदा हो तो कितना मजा आएगा। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव जल्दी सोचते हैं। जीवन में माया देवी काम कर रही है जो उल्टा सुल्टा ही काम कराती है, कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान होता है, इसीलिए ऐसा होता है शादी में गए ज्यादा खाते हैं। हिंदी का वर्ड खा ना, लेकिन लोग क्या करते हैं, खा खा, क्या बोलना चाहिए, चलो खा खा कर लो, हम लोग चलो खाना खा लो, ऐसा नहीं,
चलो खा खा कर लो, खाते ही रहना है ना, खाते ही रहते हैं। हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है, खा ना, देखना, चलना, उठना, दौड़ना, मरना, जितने भी ना वाले शब्द है ना, उसमें लिमिट चाहिए, बैलेंस। कितनी देर बैठोगे? बैठना। कितनी देर खड़े रहोगे? बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, मरना, देखना, सब लिमिट। बैलेंस चाहिए, बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए खाने में बैलेंस तो रहता नहीं है, और बैलेंस न रहने की वजह से हमारी आंतड़ी के ऊपर ज्यादा काम है। हम लोग दो गलती करते हैं, पहला काम ओवर ईटिंग, और दूसरा काम, आपको सबको मालूम है कि हमारे सब लोगों की आंतड़ी में दांत है। कितने को नहीं मालूम आंतड़ी में दांत है? कितने को मालूम है? सबको मालूम है कि आंतड़ी में दांत है, इसलिए खाना चबाते ही नहीं। देखिए दांत जैसा लग रहा है, ऐसा चौंका दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसी लोगों से चबाने का क्यों? पहली बात कि खाना खूब चबाना चाहिए, खाने को पियो, पीने को खाओ। अगर आप चबा के खाओगे तो ओवर ईटिंग होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। मैंने देखा है, चावल को तो लोग निगलते ही है, उसमें कोई साउथ इंडियन है यहाँ है तो बुरा मत लगाना, उनकी उनकी थाली कैसी हो, जो खाते कैसे ऐसे ऐसे करके दूर से ही फेंकते हैं चावल के गोले बनाकर। हाथ और मुंह की मुलाकात ही नहीं होती, उनकी थाली जूठी नहीं होती है। हाँ, वो खा रहा है, दूसरा भी खा सकता है, क्योंकि वो तो फेंक रहा है ना गोले, निकल जाता है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, चबाते नहीं है, सीधे निकलते, चावल को और कोई निकलता है। तो पता चला कि एक कुकर में पकता है तो सीटी बचता है, दूसरे कुकर में पचता है तो सीटी बचता है। लोग पेट को कुकर समझते हैं, इसीलिए चावल को चबाते नहीं है। प्रॉब्लम वहीं पे है। तो ओवर ईटिंग की वजह से हमारे जीआई ट्रैक है उसका फंक्शन बिगड़ता है। छोटी और बड़ी आंतड़ी के अंदर जो जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने चाहिए वो नहीं होते हैं, और बहुत सारा मल अंदर पड़ा रहता है जिसका पेट बाहर है। तो ये डिटॉक्स करके जो दवा है, इसका काम है इसकी सफाई करना। अगर सीधी भाषा में बात करें तो सर्विसिंग है। हम कार की सर्विसिंग 4 बार करते हैं साल में, या 3 बार करते हैं। यहाँ हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग मारुति सर्विस सेंटर इसी बिल्डिंग में है, और जहाँ बैठे हो ये कंपनी की खुद की ऑफिस है, सामी लेबोरेटरी, ये पूरा हिस्सा, लेकिन नीचे मारुति सर्विस सेंटर है। जीवन में एक बार इसकी सर्विस करके देखो। गाड़ी की सर्विस हम इसलिए करते हैं कि जब हम सफर पे निकलेंगे तो आधे रास्ते में गाड़ी हमें धोखा न दे, इसलिए हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो हम भी एक लंबी सफर पे निकले हैं, रास्ते में ये शरीर रूपी गाड़ी धोखा न दे, इसलिए साल में 2 बार इसको सर्विसिंग करते थे। ये सर्विसिंग का क्या मतलब है? ये डिटॉक्स नाम की कैप्सूल रात को सोते वक्त सिर्फ एक खानी है। एक बोतल में 60 गोली होती है, 2 महीना लगातार खाना है, फिर 4 महीने नहीं खाना है, फिर 2 महीने खाना है। साल में 2 बार इस कार की सर्विसिंग करो, क्योंकि ये ब्रांडेड कार है, इसको ज्यादा सर्विसिंग नहीं लगता है, ये बॉडी ब्रांडेड कार है। मारुति सुजुकी ठीक है ना, साल में 4 सर्विस, ये तो ब्रांडेड कार है ना, इसको 2 सर्विसिंग बस है साल में, लेकिन एक सर्विसिंग करके देखो गाड़ी कितनी स्मूथ हो जाएगी, आपको मजा आएगा, सिर से लेकर पैर तक आनंद ही आनंद आएगा। ऐसा है तो ये करना चाहिए। अभी बात करेंगे लिवर सपोर्ट। दुनिया में पहली कंपनी है जो दारू पीने के लिए कहती है कि पियो। क्यों कहती है? क्योंकि कंपनी को मालूम है कुछ लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। क्या दुनिया इतनी सीधी है कि पीने वाले को कोई यार कल से दारू मत पीना, छोड़ देगा? है ऐसा नहीं। एक भले आदमी को किसी ने बहुत समझाया तो उसकी बत्ती जल गई, और उसने बोला चलो अभी दारू नहीं पीने का। अब दारू नहीं पीना है तो क्या है, वो बदलना पड़ता है ना रास्ता भी, पीने वाले दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, घर जाने का रास्ता बदलना पड़ेगा, सब बदल दिया। बहुत दिन हो गया, दोस्तों की याद आने लगी। उसने सोचा आप तो देखो अपन मास्टर हो गए, दारू तो पीना छोड़ दिया, चलिए आज उस गली से जाते हैं। गली से गए, धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि अड्डा आ रहा था नजीक। धड़कन पे काबू रखते रखते आगे निकल गए, भैया आगे निकल गए।
40 कदम आगे गए, रुका, पीछे घूम के देखा, फिर खुद की पीठ थपथपाए, वाह क्या बात है, शराब खाने से 40 कदम आगे निकल गए, चल आज इसी खुशी में पिलाता हूं। फिर शुरू हो गए, बहाना चाहिए सिर्फ। तो जब कंपनी ने सोचा कि शराब तो कोई छोड़ेगा नहीं, कौन कहता है प्यालों को पाव नहीं होते, कौन कहता है प्यालों को पाव नहीं होते, हमने तो उन्हें हर महफिल में घूमते देखा है, है कि नहीं? तो ठीक है, उसको घूमने दो, अपने को टेंशन नहीं है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट से बचना, उसके लिए कंपनी ने एक दवाई बनाई है, लीवर सपोर्ट। ये दो ग्लास दिख रहे हैं क्या इसके ऊपर? वाकई में ग्लास है, झुक नहीं कर रहा हूं, ये इसमें ले लो। तो शराब पीने के पहले, एक घंटे पहले एक गोली खा लो, जिससे क्या होगा, शराब की साइड इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि गोली खाने से वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा। जो आदमी शराब पीता है तो उसके ब्लड में जो अल्कोहल मिक्स होता है तो उसका ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है, उस वक्त हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, वो कम बनता है, जिसका काम है इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर को बैलेंस करना। जब वो कम बनेगा तो बॉडी से वाटर ज्यादा निकलता है, और वो ज्यादा बनता है तो बॉडी में स्वेलिंग आती है, इसका काम है उसको बैलेंस करना। इसीलिए जो आदमी शराब पीता है सुबह प्यासा प्यासा होता है, वो लोग कम पानी पीते हैं, अगर 1.25 लीटर पिया है शराब तो 1.5 लीटर पानी जाएगा या 1.4 जाएगा, ऐसा है, तो ये उसको बैलेंस करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ पीने वाले के लिए ऐसा मत समझिए, जिनके भी पेट थोड़े बाहर है और उम्र 35 के ऊपर है और सोनोग्राफी करेंगे तो ऐसे 50 लोगों को 100 में से फैटी लिवर मिलेगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है फैटी लिवर की बीमारी। ऐसा मरीज भी खाना खाने के आधे घंटे बाद दोपहर को एक गोली, रात को एक गोली खाए तो अच्छा है, जिसको खाना खाने के बाद ये ऊपर का हिस्सा अपर एब्डोमेन खुल जाता है, टाइट हो जाता है, घबराहट होती है, तो समझिए लीवर फंक्शन ठीक नहीं है। जिसको खाना अच्छी तरह नहीं पचता है तो लीवर फंक्शन ठीक नहीं है। लीवर फंक्शन ठीक रहने से भूख लगती है अच्छी तरह, खाना खाने में मजा आता है, और लीवर फंक्शन ठीक नहीं रहने से भी वजन बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि लीवर की वजह से शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो आदमी कभी ज्यादा खाता है, कभी कम खाता है, कभी खूब खाता है, गड़बड़ होती है। तो ये अद्भुत प्रोडक्ट है, नॉर्मल आदमी को भी कब लेना है डिसाइड करना चाहिए, खाना नहीं पचता है तो। सबसे बड़ी समस्या ओबेसिटी। यहां से अंधेरी स्टेशन मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, चल के जा सकते हैं आप यहां से अंधेरी। मैं यहां से अंधेरी स्टेशन अगर ये प्रोजेक्टर को उठा के जाता हूं और वो बैग को उठा के जाता हूं, दोनों मिलके वजन है 12 किलो, तो मैं थक जाता हूं। तो क्या होता है, मैं थक जाता हूं, तो जो आदमी ऑलरेडी 20 किलो 30 किलो अपने साथ ज्यादा कंटिन्यू रखा है वो कितना थकता होगा, आप सोचो, लॉजिक सोचो, वाकई में बॉडी थकती है लेकिन आपको दिखता नहीं है। वजन मोटापा अपने आप में एक मोटी समस्या है, यानी कि बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। जब मेरा थोड़ा वजन बढ़ता है तो मुझे घबराहट होती है, तब मैं लोगों को देखता हूं कि इसको कितनी घबराहट होती है, इसको पता ही नहीं है। सच कह रहा हूं, अभी मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया था तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया था, थोड़ा वापस कम हो गया। तो वेट को बढ़ने मत दो, जब बढ़ रहा था तो सो रहे थे क्या, रातों रात तो नहीं बढ़ा ना, तो ये तो नहीं कहेगा ना गए साल में पतला था, उसके पहले साल पतला था, नहीं, ये प्रोसेस है, कब बढ़ रहा पता ही नहीं चलता। तो हर आदमी पतला होना चाहता है, तो मैं उसके लिए सिंपल कहूंगा, दो ही बिरादरी के आदमी है, एक पतला एक मोटा, पतले ने खुश होना चाहिए मैं पतला हूं, मोटे ने खुश होना मैं मोटा हूं, नॉर्मल तो बदकम है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। इंसान का पहला पर्सनालिटी उसका आकार प्रकार। क्यों मोटे आदमी पे लोग हंसते, क्यों पतले पे नहीं हंसते, क्यों स्कूल में छोटे मोटू बच्चा है तो मोटू मोटू क्यों बोलते हैं, ताकि उसको कहीं या दिल पे चोट लगे और पतला हो जाए। लेकिन ऐसी चोट से कोई पतला नहीं होता है, इसीलिए रिसर्च हुई और उस दवाई की खोज हुई जिसका नाम है लीन गार्ड। दुनिया की एकमात्र पहली दवा है जिससे इंसान पतला होता है तो होता ही है, ऐसा ही रिजल्ट आता है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड थॉमस अल्फा
थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड इसको मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, क्योंकि एकमात्र दवा है जिससे वजन घटता है, तो घटता ही है। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको लेना है खाना खाने के एक घंटे बाद। लेकिन जो फर्स्ट रिजल्ट लेना चाहता है उसको रोज एक डिटॉक्स खानी है 2 महीने तक, साल में 2 कोर्स सर्विसिंग का, प्लस उसको 2 स्पिरुलिना सुबह खाली पेट 2 स्पिरुलिना खानी है, और रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले 2 स्पिरुलिना खानी है। स्पिरुलिना क्या है आगे मैं बताऊंगा, तो वजन घटता है। ओमेगा बायो प्लस, आप कहेंगे हम जानते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सब हम जानते हैं, डेफिनेटली लोग जानते हैं, लेकिन ये फिश ऑयल की नहीं है, पाम ऑयल की नहीं है, ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, रिसर्च वाली दवा है, रिजल्ट वाली दवा है, प्रूवन दवा है। इसके अंदर होता है EPA एंड DHA। हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना और कोलेस्ट्रॉल को कम करना। ये कौन कौन खा सकता है, शुरू करें बच्चों से। जिस बच्चे की उम्र 10 क्रॉस हो चुकी है, ऐसे बच्चे को रोज एक गोली देंगे तो 1 साल में उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। DHA ब्रेन पे काम करता है, रिसर्च हुई है, डिस्कवरी पे आया था, डिस्कवरी की वीडियो क्लिप हमारे पास है। इसका मतलब 10 साल की उम्र से लेके कोई भी उम्र के लोग जिनको अपनी याददाश्त अच्छी करनी है उसके लिए चाहिए। उसके बाद उम्र थोड़ी बढ़नी शुरू होती है तो 2 समस्या आती है, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। जिसको हाई बीपी है उसने ओमेगा बायो प्लस खाना चाहिए, आर्टरी की इलास्टिसिटी बढ़ने से धीरे धीरे बीपी काबू में आएगा। जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ओमेगा बायो प्लस लेना चाहिए। इसके अलावा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम संबंधित डिसीज जैसे पैरालिसिस, पार्किंसन, अल्जाइमर, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारी में लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को रिपेयर करता है DHA। ऐसे मरीज के लिए एकदम कंपल्सरी लेना ही चाहिए, तब जाके रिजल्ट शुरू होगा। आज हमने 14 साल के बच्चे को ये एक गोली शुरू कराई है और एक एक गोली शुरू लेना 2 बार शुरू कराई है। आज दवाई दी है, कल से वो शुरू करेंगे, 1-1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट जो भी आएगा हम आपको बताएंगे, उस बच्चे को भी यहाँ बुलाएंगे। शायद उनके फादर ही आने वाले थे, आए नहीं है मुझे। ऑप्टिमम जो है ये डायबिटीज के लिए बना है। 2006 में WHO ने कहा था कि पूरी दुनिया में जितने मरीज हो गए डायबिटीज के और हार्ट के, उसके 60% 2010 में इंडिया में रहेंगे, और 2010 जा चुका है, 2011 में हम प्रवेश कर चुके हैं, और आपको शायद पता ही होगा कि 2011 का यात्री मंच चल रहा है, 2012 में हम एंटर होने वाले नेक्स्ट मंथ। यानी कि आज इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है। आज तक डायबिटीज पे तरह तरह के नुस्खे चलते रहे हैं और लोगों ने चलाए हैं जिसका कोई R&D नहीं है, कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। लोग कहते हैं करेला खाओ, डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है। अगर मैं आपको मना करता हूँ कि खट्टा दही मत खाओ तो आप 4 चम्मच शक्कर डालेंगे, अभी मीठा दही खा रहा हूं, खट्टा गया ना बॉडी में तो वो कड़वा मीठे को कुछ नहीं करता, समझ लीजिए। कड़वे और मीठे को कोई लेना देना नहीं है। जो भी है मॉलिक्यूल रिसर्च चाहिए, तो आयुर्वेद की कुछ हर्ब में से कुछ मॉलिक्यूल निकाले, वो मॉलिक्यूल हमारे पैनक्रियास पे कैसा काम करता है उसका रिसर्च हुआ, और रिसर्च में ये प्रूव हुआ कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट मतलब क्या है, वो हेरिडिटरी की वजह से आया हो या स्ट्रेस से आया हो, लेकिन जो दवाई खा रहा है उसको टाइप 2 कहते हैं। जो भी मरीज दवाई खा के डायबिटीज काबू रखता है तो उसकी शुगर कंट्रोल रखता है तो आदमी कितना खुश, अरे मेरी डायबिटीज कंट्रोल है, बस वो अंधेरे में है, वो बहुत बड़े अंधेरे में जी रहा है, उसके बावजूद उसको डायबिटीज न्यूरोपैथी होता है, लॉन्ग रन में हार्ट प्रॉब्लम होता है, ब्रेन प्रॉब्लम होता है, आंखों का प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अपने डॉक्टर को पूछता है मेरी डायबिटीज कंट्रोल है तो भी ऐसा क्यों हुआ। डायबिटीज कंट्रोल एम नहीं होता,
डायबिटीज कंट्रोल के साथ बॉडी को जो डैमेज होता है उससे भी तो बचना है ना, इसीलिए रिसर्च हुई इस दवाई को जब शुरू करेगा टाइप 2 पेशेंट तो धीरे धीरे 3 महीने के अंदर इंग्लिश दवाई 100% छूट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, साइड इफेक्ट से ये बचाएगा, जो डैमेज है उसको रिपेयर करेगा, और 3 महीने के बाद वो मरीज चावल भी खा सकेगा, मिठाई भी खा सकेगा, अप टू सर्टेन लिमिट, यानी वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जिएगा, डायबिटीज से होने वाली साइड इफेक्ट से बचेगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 पेशेंट, इसी तरह आरएनडी के रिसर्च हो गए सारे पेपर, उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 पेशेंट के ऊपर कंपनी के कहने पे आरएनडी किया, कंपनी आरएनडी कर चुकी थी मॉलिक्यूल लेवल पे, लेकिन पेशेंट लेवल पे इंडियन मेडिकल काउंसिल ने किया, तो 239 में से 239 पेशेंट को फायदा हुआ। अब आप बोलोगे ये इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है, ये सादी भाषा में कहूं तो ये डॉक्टरों के दादाजी है, सिंपल लैंग्वेज कहूं तो डॉक्टरों के दादाजी है, क्योंकि इंडियन मेडिकल काउंसिल मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, यानी बहुत बड़ी अथॉरिटी, उसके ऊपर मेडिकल की कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो रिसर्च नेट पे है, silvinol.com जब टाइप करोगे इसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल silvinol होता है जिस पे रिसर्च हुई है, जो पैनक्रियास पे काम करता है, पर्टिकुलर वो मॉलिक्यूल है जो आयुर्वेदिक हर्ब से एक्सट्रैक्ट किया है, आज तक दुनिया में किसी ने ऐसी बात नहीं कही है, इसमें मेंशन है। silvinol.com पे जाएंगे तो इंडियन मेडिकल काउंसिल के रिसर्च पेपर वहां रखे हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर रखे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप 2-3 पेशेंट को डाउनलोड कर लो ना, उस पर प्रयोग कर लो, मालूम पड़ जाएगा तुरंत रिजल्ट, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑप्टिमम। इस प्रोडक्ट को 2 से ज्यादा गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 गोली, दोपहर को, रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 गोली, इतना ही डोज खाना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इस कंपनी की हर दवाई का डोज डिसाइड है। अब हम बात करेंगे स्पिरुलिना। आप कहोगे स्पिरुलिना के बारे में हम जानते हैं, जरूर जानते होंगे, मार्केट में बहुत सारे स्पिरुलिना है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली स्पिरुलिना जो है वो ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू एल्गी है, ग्रीन और ब्लू एल्गी में अंतर होता है। अब इसकी खोज कैसे हुई, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 200 करोड़ पहले समंदर में एक वनस्पति उत्पन्न हुई थी जिसका नाम स्पिरुलिना है। इस पृथ्वी की पहली वनस्पति वही है जो पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब एक साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे थे कि इस पृथ्वी पे हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ कौन जीता है, तो पता चला कि कछुआ यानी टॉर्टोइस 300 to 500 ईयर उसकी लाइफ होती है। तो ढूंढना शुरू किया साइंटिस्टों ने खाता क्या है, तो पता चला वो स्पिरुलिना ही खाता है, समंदर में होने वाली वनस्पति को खाता है। तो उसी वनस्पति से जो दवा बनी उसका नाम है स्पिरुलिना। 6 ग्राम स्पिरुलिना को अगर कंपेयर करेंगे तो मैं आपको एक पेपर दूंगा अभी सबको, एक छोटा सा पेपर हमने तैयार किया है, इसमें सरप्राइज होगा। 6 ग्राम स्पिरुलिना यानी कि 12 गोली आपके पेट में गई। ये स्पिरुलिना अलग है, इसका नाम है स्पिरुलिना स्प्रिटेंट है। नासा के साइंटिस्ट लोग इसी कंपनी को इसी कंपनी की दवाई लेके स्पेस में जाते हैं, तो ये कंपनी नासा की भी सप्लायर है, क्योंकि वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जिसके पास ISO 22000 है। ISO 22000 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि रॉ मटेरियल को उगाने से लेकर बॉक्स भी अंदर ही बनता है, बॉक्स भी बाहर से नहीं लिया जाता, बॉटल भी नहीं, बीज बोने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बॉक्स से लेकर बॉटल तक सब अंदर ही बनता है, एक ही छत्र छाया के नीचे। ऐसी इंडिया में इस कंपनी के अलावा कोई नहीं। इसके अलावा NABL सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास है। अगर इंडिया से कोई हर्ब को आपको एक्सपोर्ट करना है तो सामी लेबोरेटरी का ही सर्टिफिकेट लगता है, बाकी का वैलिड नहीं है एनवायरमेंट में, NABL सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। देखिए इसमें लिखा है अगर 6 ग्राम स्पिरुलिना यानी कि 12 गोली आपके पेट में जाने से क्या फायदा होगा, 26 बोतल गाय का दूध, 550 एप्पल, 16 साइडिंग फिश, 20 शिमला मिर्ची,
90 ग्राम ब्रेड, 420 अंगूर, 8 नींबू, 47 स्ट्रॉबेरी, 260 ग्राम चीज, 5 चिकन के बड़े टुकड़े, इतने खा के जो फायदा होगा वो फायदा इस वनस्पति से होता है। 550 एप्पल कब खाओगे? रोज एक एप्पल खाना शुरू करो ना, एक एप्पल, और किसी ने आपको एप्पल बताया ना तो आप चिढ़ोगे। इतना बुरा हाल होता है एप्पल का। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट, अब ये क्यों खाना चाहिए? तो डॉक्टर लाइनस पॉली ने 1988 में उस रिसर्च पेपर में ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी को 120 पोषक तत्व चाहिए। क्या आप सब जानते हैं पिज्जा बर्गर हेल्थ के लिए खराब है? यस और नो? खराब है? नहीं। किसने कहा पिज्जा बर्गर से हेल्थ खराब होती है? मैं नहीं मानता। कारण क्या है कि पिज्जा बर्गर से हेल्थ इसलिए खराब होती है, हमारे शरीर को जो चाहिए वो उसमें नहीं है। बात को दूसरे ढंग से सोचो, और हमारे शरीर को जो चाहिए वो है 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन, 120 में थे, वो सिर्फ इस पृथ्वी पे इसी स्पिरुलिना में अवेलेबल है। इसीलिए पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये भी खाइए, क्योंकि जो पिज्जा में नहीं उसको ऐड करो ना, पिज्जा खाने के बाद खत्म खानी। मैं भी वड़ा पाव खाता हूँ, मजा आता है, जब भी खाता हूँ। हाँ, इधर ही नीचे एक वड़ा पाव वाला मस्त है, सिग्नल के पास। तो लॉजिक अलग है, दुनिया की हकीकत कुछ और है, समझ में आता है कुछ, इसीलिए जीवन में टकराव और प्रॉब्लम पैदा होते हैं। अब बात करेंगे ऑस्ट्रो स्ट्रॉन्ग। आप कहोगे ये तो लेडीजों को दो ही मत, वैसे उनकी हड्डी कमजोर है तो हमारी हड्डी तोड़ रही है, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो क्या होगा, है कि नहीं? तो फिर बताओ कि नहीं इसके ऊपर? चलिए बता देता हूं। ऑस्ट्रो स्ट्रॉन्ग स्पेशली ये लेडीजों के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। इसको 40 साल की उम्र के बाद खाना चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद खाना चाहिए। होता क्या है, जब लेडीज बच्चे को जन्म देती है तो उनका हड्डी भी वीक होती है, मसल्स वीक होता है, बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि बॉडी के में से ही एक बॉडी पैदा होती है तो बॉडी का कुछ हिस्सा लॉस होता है, और आगे चल के डिसीज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और पेल्विक जॉइंट ब्रेक होता है। रिसर्च ये कहता है कि कई लेडीजों का गिर जाने से पेल्विक जॉइंट टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले टूट जाता है फिर वो गिर जाती है। लेकिन समझ में ये आता है कि गिर गए इसलिए टूट गया, क्योंकि एक लेवल पे इतना वीक हो जाता है लेडीज का कि ये हाल होता है। तो जो भी लेडीज को 40 साल क्रॉस कर चुके हैं, वो चाहती है कि अपने जीवन में वो हेल्दी रहे, तो सिर्फ रोज एक गोली खाए। अब इसका मैं लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। एक जन को खूब पेन था सर्वाइकल में, कमर में, मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। बोतल पे भले लिखा है 40 साल के बाद खाना, हमने एक गोली खिलाई दोपहर को, खाने के बाद का एक गोली खा लो, रात तक में पेन गायब था। तो फिर हमने सोचा हफ्ते में दो गोली तो रिकमेंड कर सकते 30 साल बाद वाले को, हफ्ते में सिर्फ दो गोली, बहुत पावरफुल डोज, मॉलिक्यूल है ना, ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, मॉलिक्यूल को कमी लेना होता है। तो ये लेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 40 क्रॉस किया तो रोज एक गोली खानी है, और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो एक एक गोली दो बार खानी पड़ती है 3 महीने तक, उसके बाद सिर्फ एक गोली। जॉइंट सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? जॉइंट आज कॉमन बीमारी हमें क्या दिख रही है शहरों में, घुटना कमर गर्दन, घुटना कमर गर्दन, और हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट अगर कोई है तो वो है घुटना। लोग पतले होने के लिए चलते हैं, लेकिन चलता हुआ कोई पतला दिखा है क्या? वो पतले तो होते नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है उसका घुटना खराब हो जाता है, पतले होने के चक्कर में चल चल के घुटना खराब होता है और रोड खराब होता है, खड्डे वगैरह रोड पे इतने है, उसका कारण यही है। इसलिए दिन भर हम उसी घुटने से अगर काम ले गए, दिन भर घुटने से ही काम होता है, ऊपर से पतला होने के लिए उससे ही काम ले गए, तो हर जॉइंट की अपनी लिमिटेशन है, वो घिसने वाला है। जिसके अंदर COQ कम बनेगा तो समझिए यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अब 50 साल वाला आदमी आएगा तो उसको 30 साल के बाद, 30 से 50 साल तक COQ उसको रेगुलर 80 mg कम था उसके अंदर, तो डैमेज तो आना ही है ना,
30 साल से 50 साल की सफर के दौरान लगातार 80 mg अप्रोक्सीमेटली CO2 कम रहा है उसके बॉडी में, तो डेफिनेटली बॉडी के सारे जॉइंट तो हिल ही है। अगर उस वक्त उसने शुरू किया होता तो ये नौबत नहीं आती, अब आ गई है तो उसके लिए अलग दवा है और उस दवाई का नाम है R3 Power। R3 Power क्यों? क्योंकि घुटना, कमर और गर्दन R3 तीनों कवर होता है। ओके, अब ये दवा एक एक गोली दो बार खाने से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पेशेंट को मिराकल रिजल्ट आता है। और मैं आपके पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है ये बताइए, अभी बहुत खतरनाक, बोलिए, खड़े होके बोलिए। इतना है कि मैं तो बिलीव नहीं कर सकता और वो पेशेंट भी नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपको भी फोन किया था, वो 60 इयर्स के हैं और मेरे सामने वो सिंधी भाई है, उनके वो रिलेटिव है। तो जेश मैंने, जैसे मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने 15-20 दिन पहले मुझे बताया था कि ऐसी ये प्रोडक्ट आ रही है। तो मैं उसका, मैं आजू बाजू बता रहा था लोगों को कि मेरे पास ऐसी चीज आएगी, तो ब्रोशर दिए थे तो मैं उनको दिया था। तो उनके वो रिलेटिव है 60 इयर्स के हैं और उनको ये घुटने की बीमारी 6 साल से है और मुंबई के हर बड़े हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने इतने खर्चे किए हैं। तो बोला अभी ये कल की दवा इसमें क्या फर्क करेगी। तो ऐसे बातें चल रही थी, तो फिर एक दिन रात को वो रोने लग गए 60 इयर्स के बुजुर्ग। तो उनके बड़े भाई है 60 इयर्स के, तो वो आए उनके पास, मेरे जो सामने दोस्त रहते हैं, कि बोले आप कैसे भी करके आप बता रहे हैं, तो बोली दे तो से उनको, देवे तो से, अभी रो रहा है इतना बड़ा बंदा तो मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। तो रात को लेके गए हैं और सुबह जब मैं मेरी दुकान पे आता हूँ 9:30 बजे, तो उनके भाई साहब दुकान के बाहर ही खड़े हैं कि यार एक डोज रात को लिया और बंदा जो यहाँ से चल के वहां तक नहीं जा सकता 10 कदम, वो चल के आ रहा है, फोन कर रहा है और बोले यार क्या तुमने दे दिया है, तो समझ में नहीं आता। तो मैंने जयेश भाई को पहला फोन किया कि एक डोज में हो सकता है, मैं भी बिलीव नहीं कर सकता, तो ऐसा हो सकता है? तो जयेश भाई बोले हाँ ये दवा में ऐसा कुछ है। तब हो रहा, तो अभी भी वो सांता प्रदेश में रह रहे हैं और वो इतने बढ़िया हो गए कि एक डोज की बात, आज तीसरा ही दिन है, तो वो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है पर हुआ। तो कहने का मतलब कि ये जॉइंट की ऐसी अद्भुत दवा है कि इसको लेते ही रिजल्ट आता है, एक महीने में तो मिराकल चेंज होता ही है, होता ही है, होता ही है। ऐसा रिसर्च करने के बाद ही कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और जॉइंट की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या, इस तरह हमने 11 प्रोडक्ट के बारे में देखा है, लेकिन अभी 5 मिनट में वापस सारी एनालिसिस बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने नोट नहीं किया होगा, यहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट की बात एक साथ की। पहला कंसेप्ट ये है कि आप हेल्दी है तो हेल्दी रहोगे, दूसरा कंसेप्ट ये है बीमारी हो गई तो कुछ चीजें और भी है, दो पार्ट है। तो पहला हिस्सा हेल्थ की अगर बात करें तो जो आदमी हेल्दी रहना चाहता है उसको इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री रेडिकल से बचने के लिए, बाहर की वजह से हजारों कारणों से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल से बचने के लिए उसको एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, अंदर के पोजे को ठीक रखने के लिए 30 साल के बाद CO2 लेना चाहिए, 30 साल के बाद CO2 लेना चाहिए। एक हम लोग सीरीज में ही चलते हैं, कई कारणों से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, अंदर के पुर्जे को ठीक रखने के लिए CO2 30 साल के बाद हर किसी को लेना चाहिए, ताकि इन लॉन्ग रन घुटने से लेके मेजर डैमेज ना क्रिएट हो, डैमेज क्रिएट हो गया तो फिर है R Power। कर्कोमिंसी हफ्ते में 2-3 गोली खाने से कोई भी अबनॉर्मल सेल्स बॉडी में से होगा क्लियर हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हेल्थ अच्छी रहेगी। साल में 2 बार सर्विसिंग करनी जरूरी है, ये सब हेल्दी लोगों के लिए। और अब शुरू होता है प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम है तो दवाई अवेलेबल है, ओबेसिटी है तो दवाई अवेलेबल है, ओमेगा, कोलेस्ट्रॉल, IBP एक्चुअल बीमारी के लिए, पहले 4 प्रोडक्ट हेल्दी आदमी के लिए, ये भी बीमारी के लिए ऑप्टिमम, स्पिरुलिना हेल्थ के लिए, 4 और 1 5 बार सीक्वेंस हम बदल देंगे इसकी अभी आगे चल के। ये प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट कई प्रकार के वातावरण से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल से बचाता है, दूसरा ऑर्गन को ठीक रखता है, तीसरा एंटी इंफ्लेमेटरी एबनॉर्मल सेल्स को निकालता है, चौथा डिटॉक्सिफिकेशन, और पांचवा है
एक शरीर को 120 पोषक तत्व चाहिए, उसमें से 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन सिर्फ स्पिरुलिना से ही मिलता है। इसीलिए स्पिरुलिना लेने से स्किन, हेयर और हेल्थ अच्छी रहती है। अब ये लेडीज के लिए ऑस्टियोस्ट्रॉम, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया के लिए है, जॉइंट के लिए है। इस तरह प्रोडक्ट दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इसको अभी स्टॉप करते हैं। आपको कुछ पूछना?